जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था, लेकिन आजाद होने के बाद कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों को देश चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। इस संविधान में लगभग 389 लोग सदस्य चुना गया, जिसमें पहले 389 थे, लेकिन बाद में 299 कर दिए गए। और इस संविधान के सदस्य ने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा, और इसके सचिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इनके मेन अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान को पूरी तरह से लिख कर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया। और भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लिखित संविधान है, और यह हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया है। हिंदी के लेखक बैद जी तथा अंग्रेजी में प्रेम बिहारी जी हैं। तो इसी दिनों के लिए वीरों ने खून बहाया है कि इसी दिनों के लिए वीरों ने खून बहाया है ये मेरे भारत के देशवासियों, झूम उठो, ये गणतंत्र दिवस फिर से आया है। तो मैं अपनी डायलॉग बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ डायलॉग देंगे कि तेरे हुस्न को हिंदुस्तान बना देंगे, तेरे पतली कमर को पाकिस्तान बना देंगे। हमसे मत उलझना बिना फालतू को, कि हमसे मत उलझना बिना फालतू को, वरना तेरे जिस्म को 1600 मीटर का मैदान बना देंगे। मैं तो मेरी ये पहचान लिख देना, कि कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना कमांडो टैगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था अगर तो भगत सिंह कर दियो कारियो का चेला, कोई पूछे पागल था कौन तो भगत सिंह कर दियो कारियो का चेला, और पचे हुए जीव से निकालना खून फेंकना जमीन पर और माटी में सलाम लिख दे। नहीं मालूम मौत किसको कहते हैं, कि मुझे नहीं मालूम मौत किसको कहते हैं, मौत मौत के बगैर देखा रहा है, कि मुझे नहीं मालूम कि मौत किसको कहते हैं, मैं मौत को बगैर देख गया हूँ, और भाषण में हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं अपने माँ बाप और गुरु जी का पैर छू कर आया हूँ। मैं तक का नींद भी एक हो सकती है, कि ख्वाबों की जगती रातों में तक का नींद भी एक हो सकती है, आंखों की बारिश होठों के दरिया में भी खो सकती है, और सरहद के उन दीवानों ने मर मिट के बता दिया कि महबूब सिर्फ लड़की नहीं है, खूबसूरत मिट्टी भी हो सकती है। ना मर्द और कारों को पाकिस्तान लिखता हूँ, कि मैं निर्जन ना मर्द और कारों को पाकिस्तान लिखता हूँ, और ये भारत भूमि में पूरा जहान लिखता हूँ, और यहाँ का सांवला गोरा काला सब रंग के, इसीलिए हम अपने खून का एक कतरा हिंदुस्तान के नाम लिखता हूँ। मातरम, आप लोग मेरे साथ नारा लगाइएगा एक बार, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ, जो चाणक्य ट्रेनिंग सेंटर पर निगेटिव कमेंटमेंट करते हैं, कि जो निगेटिव कमेंटमेंट करते हैं उनसे कहना चाहता हूँ,